हेलो गेमर्स, वेलकम टू गेमिंग फर्स्ट। तो यार GTA 5 में जब भी हम ऑफलाइन वर्जन खेलते हैं तो तीनों ही प्लेयर के पास हमें एक एक घर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि फ्रैंकलिन के पास ये वाला घर है और ट्रेवर के पास में सैंडी शोर में एक घर है और एक घर माइकल का हो गया। तो उसके अलावा हम बाकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो खरीद सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, लेकिन हम घर नहीं खरीद सकते। तो GTA ऑनलाइन में हम वो कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में भाई इस तरह का कुछ नहीं कर सकते। तो आज हम एक ऐसा मोड इंस्टॉल करने वाले हैं जिससे कि हम पूरे लॉस सैंटोस के अंदर बहुत सारी जगह पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, अपनी कार्स वगैरह पार्क कर सकते हैं। और अगर आप YouTube के लिए वीडियोज़ बनाते हैं तो वो मोड आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और आप दिखा सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ पर घर खरीद है और इस तरह की वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पर कर देना ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। और गेमिंग से रिलेटेड ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले डाउनलोड करेंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे। तो गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये वाला मोड जो है डायरेक्ट यहां पर पहुंच जाएंगे और इसको डाउनलोड करेंगे। 2 दिन पहले ही इसका करंट वर्जन रिलीज़ हुआ है, तो चलिए आज हम इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने वाले हैं। तो डाउनलोड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और फिर वापस से दोबारा यहां पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और हमारा जो मोड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से इंस्टॉलेशन की तरफ। तो गाइस, मोड को डाउनलोड करने के बाद आपको एक जिप फोल्डर मिलता है, उसको अनजिप करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए इस तरह का कुछ फोल्डर मिल जाता है। इसको ओपन करके देखते हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ 3 फाइल्स मिल जाती हैं। उन 3 में से भी जो नीचे वाली है वो इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शन है। तो इसको ओपन करके देखते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्रैगन ड्रॉप ओनरशिप v.dll एंड होम ओनरशिप v.ini इनटू योर स्क्रिप्ट फोल्डर। तो बस सिंपली क्या है कि इन दोनों फाइल्स को, जो ये वाली दोनों फाइल है, इनको हमें यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है या फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कहाँ पर करना है, आप जाएंगे GTA की मेन डायरेक्टरी में, जहाँ भी आपका GTA 5 इंस्टॉल हो। तो मेरे यहाँ पर आ चुका हूँ, तो ये हमारी GTA की मेन डायरेक्टरी है। इसके बाद हमें स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जाना होगा और यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर देना होगा। तो मैंने पहले से ही की हुई है तो इसलिए मुझे यहाँ पर आ रहा है, तो मैंने रिप्लेस कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आपको करके दिखा देता हूँ मैं। और यहाँ से इसको बैक कर देंगे और इसके बाद में हम ओपन करेंगे अपना GTA 5। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको गेम के अंदर। तो फाइनली गाइज, हम आ चुके हैं अपने गेम के अंदर और अब यहाँ पर हम मैप ओपन करके देखेंगे कि कितनी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रही हैं। तो भाई देखो, ये जितने भी ब्लैक कलर के घर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं इस तरह के, ये तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम बाय कर सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं और आराम से हम दिखा सकते हैं अपनी वीडियोज़ वगैरह में कि भाई हमने ये घर बाय किया है, ये प्रॉपर्टी बाय की है। तो इसी तरह के घर जो है वो हम बाय कर सकते हैं। तो चलिए एक बहुत अच्छी प्यारी सी जगह पर आपको एक घर खरीद के मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह ये वर्क करता है। तो पहले उस घर के पास में हम जाते हैं, थोड़ा सा दूर टेलीपोर्ट होते हैं ताकि आपको दिखा दूँ मैं अच्छे से। तो चलिए यहाँ पर मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। तो गाइस देखिए, जहाँ पर वो प्रॉपर्टी की लोकेशन दिखा रहा है वहाँ पर हम आ चुके हैं और अपनी जो गाड़ी है इसको हम यहाँ पर पार्क कर देते हैं। तो देखो, ये बहुत बेहतरीन कॉलोनी है, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी घर बने हुए हैं। तो अपनी गाड़ी को यहाँ पर आराम से पार्क करेंगे और उसके बाद में बाय करेंगे प्रॉपर्टी। तो पहले पैसे देख लेते हैं, पैसे हमारे पास कितने हैं। तो भाई हमारे पास 2,14,694 डॉलर हैं और ये आई होप कि ये काफ़ी होंगे। तो इसकी जो कॉस्ट है वो 7,20,800 इतनी है। तो हमारे पास थोड़ा कम पैसा है, तो चलिए मोड की हेल्प से ही हम अपने पैसे जो है वो थोड़े से बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर हम माइकल का कैश जो है उसको और थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। देखिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हो चुके हैं और अभी हम जाएंगे और दोबारा से इसको खरीदने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हमें ई प्रेस करना होगा और हम ये प्रॉपर्टी जो है वो बाय कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7,20,000 हमारे अकाउंट से कट चुके हैं और इसके बाद अब हमें कभी भी हम आएंगे तो यहाँ पर हमें इसी तरह का निशान जो है वो देखने के लिए मिलेगा। और अभी हमें सिंपली यहाँ पर जाएंगे तो जैसे हमें पहले बाय करने के लिए आ रहा था, अब एंटर करने के लिए भी ई प्रेस करना होगा। तो मैं ई प्रेस कर देता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा ब्लैकआउट होगा। यहाँ पर थोड़ा सा गेम ऐसा लगता है कि जैसे अटक गया है, लेकिन आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि आपकी गेम जो है वो क्रैश हो गई है या फिर अटक गया है। ये थोड़ा सा इस मोड के वर्क करने का तरीका है, क्योंकि भाई ये एक ऐसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं जो कि गेम के अंदर है ही नहीं। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ आएगा एंटर ऑनलाइन, तो आप बिल्कुल भी घबराना मत, जब तक कि आपका प्लेयर उस घर के अंदर ना आ जाए
कुछ भी होता रहे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अब हम आ चुके हैं घर के अंदर और अब इस पूरे घर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि भाई देखो मैंने ये घर खरीदा है काफ़ी अच्छा, और ये डाइनिंग रूम है। यहाँ पर देखो कितना बड़ा हमारा एक टीवी मिल जाता है हमें, और यहाँ पर अगर PS5 भी होता तो बहुत मज़ा आ जाता। और यहाँ पर हमारा जो है देखिए साइड में किचन है, और किचन के बराबर में ही हमें यहाँ पर खाने की टेबल मिल जाती है, तो यहीं पर बैठकर हम खाना वाना खाएंगे। इस तरह आप अपनी वीडियोस में ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो आप सोच रहे होंगे कि यार मैं भी क्या बताने के लिए लग गया। तो यहाँ से हम एग्जिट मारेंगे और ये कमरा देखते हैं। तो भाई सारे कमरे वगैरह जितने भी होंगे सब वर्क करेंगे। देखिए ये बेडरूम है तो सारी चीज़ें वर्क करने वाली मिलेंगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ गलत चीज़ मतलब एक सिर्फ रूम के अंदर ही जा सकते हैं, बाकी जितने भी रूम होंगे घर के अंदर आप सब जगह जा सकते हैं और अपनी एक स्टोरी को क्रिएटिव बना सकते हैं काफ़ी अच्छे से। तो चलिए यहाँ से हम निकलते हैं और वापस से हमें ई प्रेस करना होगा। ई प्रेस करने के बाद आप सिंपली घर के बाहर आ जाओगे और कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो देखिए गाड़ी जो है हमारी वो अभी भी यहाँ पर खड़ी हुई है। तो इसी तरह से आप जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उनको बाय कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमने बाय कर ली है वो वाइट कलर की दिखाई देने लगी है, तो उसका जो निशान है वाइट कलर का हो गया है। जैसा कि हमारे नॉर्मल एक घर हमें पहले से ही जो मिलता है उसका भी वाइट है, तो इसी तरह सबका वाइट हो जाएगा। ये मैंने पहले भी ख़रीदा था, ये उसकी वजह से दिखा रहा है। और अभी आप ये देख सकते हो कि जिनको ख़रीदा नहीं है वो ब्लैक हो चुके हैं। तो आप चाहे जितने घर खरीद सकते हैं और अपनी स्टोरी को क्रिएटिव बना सकते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको ये मोड अच्छा लगा होगा। गाइज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।